प्रदेश खेल विभाग द्वारा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज पंचम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के ग्राउंड पर खेला गया कबड्डी मैच सोमवार को होगा समापन। विजयी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सीआरसी गोरखपुर से निकाली गई जन जागरूकता रैली, लोगों को किया गया जागरूक। एसएसबी के द्वारा डीआईजी ए हेमोचंद के नेतृत्व में इंदिरा बाल बिहार पर चलाया गया सफाई अभियान, लोगों को स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। शासन द्वारा गोलघर रोड को सीएम ग्रेड में किया गया शामिल, गोलघर को मिलेंगे सभी स्मार्ट रोड की सुविधा, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने दी जानकारी। गोरखपुर के राजेंद्र नगर में रिगालिया रिजॉर्ट एवं बैकेट हॉल का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, कहा यूपी को मिले निवेश प्रस्ताव अर्थव्यवस्था को नंबर एक बनाने के प्रयासों का परिणाम, निवेश के लिए बदलनी पड़ी प्रदेश की छवि, सुरक्षा का माहौल बनाकर करने पड़े कई रिफॉर्म। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की हुई भारी जीत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम को जीत की दी बधाई, कहा डबल इंजन सरकार के सुशासन, सुरक्षा और विकास को समर्पित है यह जीत। गोरखपुर दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने की एनएचआई के प्रोजेक्ट की समीक्षा, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद, सीएम योगी ने कहा प्रदेश में राजमार्ग क्षमता का किया जाए विस्तार, कुंभ मेला के पूर्व पूर्ण की जाए एनएचआई की सभी परियोजनाएं।